हम लोग लास्ट वीडियो में क्लास 10th की सीरीज में एक्सरसाइज 8.4 सॉल्यूशन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पर डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करना है। तो देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। 1 sec a / sec a = sin² a / 1 - cos a। तो आप LHS ले लें या RHS ले लें, आपको LHS लेके सॉल्व करना है और RHS को लेकर आना है। यदि कहीं गलत होता है तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, आपने कहीं गलती कर दी। और LHS को लेकर सॉल्व करते करते आप RHS तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं और क्वेश्चन आपका सही है। इसमें यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी पीछे इंट्रो क्लास को देखेंगे, पीछे की आइडेंटिटीज को रिमाइंड करेंगे और जो आइडेंटिटीज आपको बताई गई हैं उनको बार बार रिमाइंड करना है, लिख कर देखना है। जितने फार्मूले जितनी आइडेंटिटीज आप प्रिपेयर करेंगे उतनी ट्रिग्नोमेट्री में आपकी कमांड अच्छी होगी। और सीधा मैथ को इजी करने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। क्या बताया था? क्वेश्चंस को तो आपको 100 क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको 10 क्वेश्चन को 10 बार लगाना है। 100 अलग अलग क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि 10 क्वेश्चन 10 बार लगाइए, 20 बार लगाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस मांगती है बच्चों, तो प्रैक्टिस से ही आपकी मैथ अच्छी हो सकती है और दूसरा कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, तो LHS लेना है इसमें। बाई टेकिंग, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ सेम एज इट इज आपको कॉपी में सॉल्व करना है। रफ पार्ट के लिए पेज के साइड में राइट साइड पे लाइन खींच के आप लोग उसमें ऊपर रफ कार्ड डाल के तो आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो और जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो जैसे मैं लिखता हूँ एज इट इज सेम आपको वैसे ही करना है। तो बाई टेकिंग LHS 1 sec a और अपॉन sec a बच्चों क्या पढ़ा था? 1 / cos a। यहाँ आंसर साइन और कॉस के टर्म में है तो आपको माइंड यूज करना है कि हमें sec को कॉस में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे इसको? हम लिख सकते हैं 1 + 1 / cos a। sec को क्या लिखेंगे? 1 / cos a। इसको 1 / cos a। अब सेम वही कंडीशन आ गई ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो इसको सरल करना है। इसे लिखेंगे cos a + 1 / cos a * इसको जब उल्टा करेंगे तो cos a / 1। ये cos a कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? cos a + 1। अब ये इतना साल हुआ, आप कहेंगे सर आंसर तो ये आ ही नहीं रहा, आपने बताया LHS को लेकर के सॉल्व कर लो RHS आ जाए तो आंसर आपका सही है, तो इसका मतलब मेरा भी गलत है। नहीं, ये वाला पार्ट इसके आगे का आपको अपने माइंड में सेट करना है, या दूसरी भाषा में कहें कि इस क्वेश्चन के इसके आगे के पार्ट को आप अपने माइंड में रट लो। अगर LHS कर लेकर करते हो तो इसके आगे आपको रटना पड़ेगा, इसमें एक स्टेप खाली, बस एक स्टेप रटना पड़ेगा। और यदि RHS आप लेकर करते हो तो कोई बात नहीं। तो क्या रटना है? देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में 9th क्लास में, तो रेशनलाइजेशन, जैसे कोई नंबर रूट में है अपान में तो उसके साइन को चेंज करके √3 + 1 है। जैसे कोई नंबर है 1 / √3 + 1 तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पर? √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो संख्या नीचे होती थी उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो वही बात जब ट्रिग्नोमेट्री में आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुग्मी का गुणा कराना। जो भी संख्या है उसके चिन्ह बदल कर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई इसमें करना है, यहाँ कॉस ए प्लस वन है तो कॉस ए माइनस वन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो लिखना है बाई मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग रूट, सॉरी रूट याद आ रहा है, कॉस ए माइनस वन इन न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर मिनेटर। क्या मतलब? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कॉस ए माइनस वन का मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस ए प्लस वन अपॉन वन है और यहाँ कॉस ए माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। किया कि नहीं किया? किया। अब देखिए यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉस ए माइनस वन। तो आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और इसको साइन को उधर भेज दें तो क्या हो जाए, कॉस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस वन है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो हमारी बात बन सकती है। हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो ये प्लस प्लस का था माइनस हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब देखो हो गया ना, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लिया तो वन माइनस कॉस ए हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस ए कॉस थीटा, प्रूव हो गया। थीटा की जगह आप लोग ए कर लेना, क्वेश्चन में ए है ना तो यहाँ ए कर लेना है। समझ आया? देखिए देख लीजिए ये क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस ए एज इट इज नोट कर दिया। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट। ये क्वेश्चन गिवन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटीज की हेल्प से करना है, कौन सी, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी कैसे आती है, क्या होता है, ये इंट्रो पार्ट में है। यदि आपने इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो जाके अभी देखिए, उससे आपको ये आइडेंटिटी लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ के आप आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हो। देखिए इस पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कॉसेक ए और कॉट ए के टर्म में है, यहाँ कहीं कॉसेक ए नहीं है, कॉसेक ए कैसे आता है, वन अपॉन साइन ए से आता है, कॉट ए कैसे आता है, कॉस ए और अपॉन साइन ए, लेकिन यहाँ ना कॉसेक है ना कॉट है, तो कॉस कॉट कैसे बन सकता है, अपॉन साइन लाकर, वन कॉसेक कैसे बन सकता है, अपॉन साइन लाकर। तो यही हमारे लिए हिंट का काम करेगा। देखिए यहाँ पर बाई सबसे पहले तो एल एच एस लेना है, और एल एच एस को साइन ए से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, तो क्या लिखना है, बाई डिवाइडिंग या बाई मल्टीप्लाइंग, एक ही बात है, बाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ देखो यहाँ मल्टीप्लाई बाय साइन ए कर लो, छूट गया, बाय मल्टीप्लाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, और इस पूरे के बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए देख लीजिए।
अब इस साइन ए को तीनों में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए इसके अपॉन किया कॉस ए अपॉन साइन ए, जानते हैं आप लोग क्या कॉट ए, साइन से साइन कट गया तो ये माइनस वन हो गया, और वन अपॉन साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक, ठीक है, अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन साइन कट गया प्लस वन बचा, और यहाँ माइनस माइनस कॉस ए के, इतना समझ आए, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए के, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें तो क्या कर सकते हैं, कॉट ए माइनस, अब यहाँ माइनस वन था तो वन प्लस कॉस ए के, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, कॉसेक ए अपॉन कॉट ए और प्लस वन माइनस कॉसेक ए। कुछ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि गुणा किसका कराया जा सकता है। देखिए संयुग्मी का गुणा हम लोग करा सकते हैं, कॉट ए माइनस ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ए, इनके टर्म चेंज हो गए खाली साइन सेम है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कराना है फिर से, तो देख लीजिए इनटू कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए के अपॉन कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए के, क्या किया खाली इसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया। देख लो ये ए एक ब्रैकेट, ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर लग गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। आइए आगे देखते हैं, यहाँ आएगा आ जाएगा, तो थोड़ा एक्सपेंड करना है, पहले माइनस का अंदर गुणा करा दो इसको, और थोड़ा ये ब्रैकेट लगा लीजिए ये वाला, तो सेपरेट हो जाएगा, कॉट ए माइनस का गुणा कराया तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा वन ब्रैकेट में रखो वन का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉसेक ए। ये देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है क्या आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखिए आगे इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, आप लोगों ने पिछली क्लास में नाइन्थ क्लास में फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, याद आया यही फार्मूला यहाँ काम करेगा, बस यहाँ जो b की वैल्यू है वो यहाँ माइनस साइन के साथ लेंगे, तो जहाँ जहाँ b इनमें यूज हुआ है तो वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा, ये और ये यहाँ ये कर देना,
तो यहाँ माइनस में और बाकी सेम वही चीज़ रहेगी। और इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या सॉल्व करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे और जो आएगा उसको नोट कर लेंगे, देखते हैं। और ध्यान रखना ये वाली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज भी होगा आगे, देखते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या है कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, तो कॉट ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर जानते हैं वन ही होता है, प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस टू ए बी यानी कि कॉट ए टू कॉट ए, भाई वन का इसमें मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा, फिर माइनस टू बी सी टू बी सी बी सी, तो टू कॉसेक ए कॉसेक स्क्वायर ए, फिर इसके बाद ना 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 इसमें स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ टू कॉसेक ए टू कॉसेक ए, अब इसके बाद टू सी ए और वो प्लस का रहेगा, प्लस टू इंटू सी ए यानी कि कॉट ए और कॉसेक ए, ये तो ऊपर पार्ट का हल हुआ सॉल्यूशन हुआ। अब नीचे कॉट स्क्वायर ए माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस वन माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का उसमें हुआ तो प्लस का टू कॉसेक ए ये। अब इसके बाद देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या ये कर लो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए ऑलरेडी यहाँ की मैंने, तो ऊपर क्या हो जाएगा टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर क्या है टू कॉसेक स्क्वायर ए के बाद टू कॉट ए टू कॉसेक ए टू कॉट ए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए यहाँ पे आया है तो आप इसको उठाकर यहाँ रख लो, टू कॉट ए कॉसेक ए और माइनस टू कॉट ए और माइनस टू कॉसेक ए, ये ऊपर वाले पार्ट का, ये और ये इन दोनों टर्म को एक साथ रखो, ये मत समझ लेना कि ये बटे में है, ये मैंने आपको इन दोनों टर्मों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया है। अब देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो कुछ होता नहीं है, आइडेंटिटी ये होती है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये प्लस का ये माइनस का है तो आप लोग जानते हैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया जाता है, तो माइनस का चिन्ह अगर कॉमन ले लेंगे कैसे, देखो ये है आपके पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, अगर हम इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लें इसको अलग कर दें, तो माइनस चिन्ह कॉमन पहले देखो कैसे लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी ज़रूरत है, हम अगर यहाँ ये कर दें और माइनस वन था ये एज इट इज़ नोट किया, प्लस टू कॉसेक ए ये, तो इसकी जगह वन लिख सकते हैं, आइडेंटिटी बन सकती है। देखो ये इधर आएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो यहाँ वन लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, देखिए ऊपर कॉमन लिया, ये इक्वल के साइन मत भूलना आप लोग, इसको लगाते हुए चलना है, मैंने इधर लगाया यहाँ नहीं लगाया, तो यहाँ से ऊपर आपने टू कॉसेक ए कॉमन लिया तो क्या बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो बचा कि नहीं बचा, टू कॉसेक ए कॉमन तो क्या बचा कॉसेक ए एक बार और कॉट ए बचा, यहाँ पर माइनस का टू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप लोग अपना जब बोर्ड एग्ज़ाम में जाओगे तब तो ठीक है, वहाँ पे तो करना ही है, वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम मंथली ये जो टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये हेल्पफुल होगा। तो देखिए अब इसके बाद ये इतना करने के बाद नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा माइनस वन, और यहाँ वन लिखा तो ये माइनस वन हुआ, माइनस वन प्लस टू कॉस ए के, और ये आगे माइनस माइनस टू हो जाएंगे। अब देखो ये दो टर्म हैं, ये इन दो टर्मों में कॉस ए के कॉट ए दोनों ब्रैकेट में है तो उसको कॉमन ले लीजिए, कॉस ए के प्लस कॉट ए ये बाहर किया तो आपके पास बचा दूसरे ब्रैकेट में टू कॉस एक ए माइनस टू। अब देखो नीचे क्या बचा, माइनस टू प्लस टू कॉस एक ए, माइनस टू प्लस टू कॉस एक ए, ये समझ आ रहा है, ये बस यही प्रूव करना था, कॉस एक ए प्लस कॉट ए, कॉस एक ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ये बड़ा है लेकिन इसमें कई कॉन्सेप्ट आपको यूज करने पड़े। देखो तो एग्जामिनर ने अगर इसको पूछता है तो वो आपको क्लास नाइन्थ का ये फार्मूला रिमाइंड कराना चाहता है, जो आप लोगों ने ऊपर फार्मूला लिखा है ना, ये वाला, अब दिखा ये वाला फार्मूला आप लोगों ने लिखा है तो ये फार्मूला रिमाइंड कराना चाहता है, आइडेंटिटी ये पूछ रहा है, और क्वेश्चन को प्रूव करने का जो अप्रोच आप में होना चाहिए वो भी चेक करना चाहता है। ये क्वेश्चन और आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 15 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर बड़े प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो देख लीजिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, साइन ए से डिवाइड करना है, फिर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करने के लिए इसको मेंटेन करना है, फिर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके आगे जो जैसा दिखे उसको सॉल्व करते जाना है। एक बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।